सर ओके सर ओके सर यहाँ पे सर यहाँ देखा ही नहीं सर सर यहाँ पे देखा ही नहीं सर सर यहाँ देखा ही नहीं सर सर इधर सर सर इधर शक्ति सर इधर इधर सर इधर एक फोटो सर सर यहाँ पे सर शक्ति सर I'm left. Center, ma'am.
भाई क्योंकि मेरी एम्बिशन थी लॉयर बनने की तो उसके बाद भी मुझे किसी ने आज तक इंस्पेक्टर नहीं बनाया और लॉयर नहीं बनाया शायद मैं अभी तक उन्हें उतना बड़ा नहीं लग रहा कौन से कैमरे में देखूं सारे में देखना सारों में देखूं
क्या बोलना है? आप एक लॉयर प्ले कर रहे हैं यहाँ पे एंड श्रेया जी के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, मुझे भी लगता है कि हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। आई थिंक स्क्रिप्ट में काफ़ी लेयरिंग थी, जो मतलब हम लोग दोस्त भी हैं और हम लोग लॉयर्स भी हैं और एक पैशनेट भी हैं, तो एक दूसरे के साथ एकदम झड़ के लड़ते हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ लव व्हिच हैज बीन देयर ड्यूरिंग कॉलेज टाइम्स। सो या, इट्स अ गुड केमिस्ट्री। सो या, इसके बारे में कुछ बहुत जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़ा स्पेसिफिक पूछिए। लीगल ड्रामा है, लीगल ड्रामा के अलावा ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर है, और ऑफिस में क्या पॉलिटिक्स होता है उसके ऊपर है, और प्यार तो सब चीज़ों में होता ही है। सो इट्स लाइक अ, आई वुड से इट्स अ मिक्स बैग विद द लीगल ड्रामा एज द कॉमन थ्रेड फॉर ऑल द एपिसोड्स। बट सी, आई एम एन एक्टर, सो आई डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग, आई जस्ट हैव टू रिमेंबर द सीन। और वो थोड़ा सा मतलब वो सीन्स इतने फ्लो में लिखे हुए थे कि ऐसा मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट कि वो आपके मुंह में बैठ जाए, तो और लैंग्वेज भी इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं थी। एंड ऑल्सो व्हाट हैपेंड इज कोविड का टाइम था, तो वी गॉट अ लॉट ऑफ टाइम, टू इयर्स ऑलमोस्ट के बीच में गैप्स के साथ हमने सब शूट किया, तो वी हैड इनफ टाइम टू प्रेप द डायलॉग, सो इट वॉज नॉट हार्ड। इफ यू कैन यू नो एलैबोरेट अबाउट द होल सीरीज इन लाइक वन सेंटेंस, व्हाट इट डू? आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव पुट अ लॉट ऑफ लव इनटू इट। There's a lot of truth in the whole show, and it was an important project for us all, and we've all just poured every single bit of what we had into it. And uski jhalak dekhi jati hai kahin na kahin. So I'm hoping that everybody connects to it. Well, if I ask you, why Guilty Minds is the name for the web? Well, because Guilty Minds means that an act does not make you guilty unless your mind is also guilty. So the intention behind it is very important. So it applies to even regular people like us when we feel guilty about a lot of things. But yes, there's a legal implication. Lastly, a message for your fans. Sorry? A message for your fans. Message for my fans. Guys, watch the show. It's out on the 22nd of April. And then message me. Tell me what you guys thought. And I would love to hear from you. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत लंबी मेहनत है और 2-1.5 साल करीब कोविड में चले गए, तो फाइनली अभी हम बिना मास्क के सब लोगों के साथ यहाँ पे पहले 3 एपिसोड देख पा रहे हैं और परसों सब लोग देख पाएंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे गिल्टी माइंड्स एग्जैक्टली आपने इस शो पे क्या बेस किया है एंड आप क्या क्या इस चीज़ से लेके आ रहे हैं जो आप अपने ऑडियंस को कह सकते हैं कि आप इस चीज़ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ये है एक कोर्टरूम ड्रामा है, लेकिन उसके अलावा एक ह्यूमन ड्रामा है जिसमें कि आपको हर रस मिलेगा। हर एपिसोड में एक नया मुद्दा, एक नया केस है जिसमें कि आपको बहुत कुछ डिबेट और सोचने का मौका भी मिलेगा, और ह्यूमन इमोशंस और जो पर्सनल ट्रैक्स हैं कैरेक्टर्स के, वो भी बहुत ही रिलेटेबल हैं। तो आई थिंक ऐसा कुछ कोई रस नहीं है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सो प्लीज़ देखिए, आई एम श्योर यू लाइक। वेल, कमिंग डाउन टू लॉ एंड एवरीथिंग, देयर इज अ सर्टेन रिसर्च दैट ऑलवेज कंटिन्यूज। इस चीज़ के अंदर आपने कितना रिसर्च किया, कितने लॉज हैं जो जिनके बारे में आपने सोचा है कि लोगों को इसके बारे में बताया जाना चाहिए? काफ़ी रिसर्च किया हमने, क्योंकि हमारे जो राइटर्स हैं उसमें उससे पहले भी एक लीगल बैकग्राउंड से आती है, और मानव भूषण बोले कि लॉ की पढ़ाई की है और फोर्थ राइटर दीक्षा गुजरात इज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। तो हमने कोई भी मुद्दा, कोई भी केस जब लिया, तो उसके बारे में, उसके सेक्शंस के बारे में, उसके लीगल कॉम्प्लिकेशन जो भी होती है उसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया, और हमने बहुत सोच समझ की है। देखिए, ट्रेलर पे बहुत अच्छे रिएक्शन आ रहे हैं, सो फिंगर्स क्रॉस्ड कि लोगों को शो भी उतना ही पसंद आए जितना अच्छा ट्रेलर लग रहा है। और रिएक्शंस हर तरह के हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं। अब जब लोगों को दीपक और कश्यप का रोमांटिक एंगल को अच्छा लग रहा है, जैसे आपने पहले में देखा होगा वहाँ पर जो पेशेंट वाला जो है, लोगों को वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है, तो वो एक मोमेंट है जो ट्रेलर में लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ऐसे बहुत सारे मोमेंट ऑब्वियसली वेब सीरीज में, तो आप जरूर देखिए। Thank you. Thank you. Thank you so much.